देश आज 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। हथकरघा दिवस हाथ से कारीगरी करने वाले लोगों को सम्मान देने और प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2015 को हुई थी। आज हम आपको रामनगर की कुछ ऐसी महिलाओं से रूबरू कराने जा रहे हैं जो हथकरघा स्वदेशी रोजगार को बढ़ावा दे रही हैं और अन्य लोगों को भी आजीविका प्रदान करने का साधन बन रही हैं। हम बात कर रहे हैं रामनगर के मैं छू पहाड़ी, नीतिका और उत्कर्ष स्वयं सहायता समूह की। इन दो समूह की महिलाएं हाथ की कारीगरी व संस्कृति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हुए तरह तरह की राखियां तैयार कर रही हैं और उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा को भी बढ़ावा दे रही हैं। मैं सभी देशवासी या उत्तराखंडियों से ये कहना चाहती हूँ कि जो हमने ये दो ग्रुप मिलके जो हम राखी हर त्यौहार की चीज़ें अपने रीति रिवाज के अनुसार बनाते हैं, जैसे ये एप्पल के द्वारा राखी, मोतियों से राखी, ऊन से राखी, करवा चौथ के टाइम पे करवा मैं कुमाऊनी एप्पल द्वारा और नौ दुर्गों में हर मतलब कोई भी हमारा कल्चर, हमारा त्यौहार, हरेला पर्व कुछ भी आए उसको हम अपने कुमाऊनी रीति रिवाज या अपना उत्तराखंड के त्यौहार के अनुसार बनाते हैं। मैं छू पहाड़ी, नीतिका और मैं उत्कर्ष सहायता समूह की सारी महिला मिलके इस प्रोग्राम को कर रही हैं। टीमें मिल करके राखी बना रहे हैं और इससे सभी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और हमने कई तरह की राखियाँ बना रखी हैं, जैसे नजरिया राखी है, रुद्राक्ष की राखी है, उन से क्रोशिया की राखी है, बच्चों को ध्यान में रखते हुए फर वाली राखियाँ बनाई हैं और इससे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और लोगों को भी प्रोत्साहन बढ़ेगा। महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए रामनगर ब्लॉक कार्यालय में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सुवेनियर ग्रोथ सेंटर स्थापित किया गया है। इस सेंटर में नवज्योति ग्राम संगठन उछड़ी समूह की महिलाएं न्यूजीलैंड और रशिया से आने वाले MDF फाइबर बोर्ड से केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर की रेप्लिका तैयार कर रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विकासखंड रामनगर में विगत 18 जून से अन्य समिति के सहयोग से एक सोनिया ग्रोथ सेंटर जोगीपुरा में चलाया जा रहा है, जिसमें वर्तमान समय में नवज्योति ग्राम संगठन से 12 महिलाएं विभिन्न समूहों की कार्य कर रही हैं। इस सोवेनियर में वर्तमान समय में मंदिर के प्रतिरूप, जिसमें केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ का मंदिर के प्रतिरूप मुख्य रूप से शामिल हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने द्वारा फोटो फ्रेम, नेम प्लेट्स और इस तरह के आइटम भी बनाए जा रहे हैं। सुवेनियर ग्रोथ सेंटर रामनगर में तैयार प्रोडक्ट बहुत जल्द ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे। इसके लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ बहुत जल्द अनुबंध होने जा रहा है। ये अनुबंध होते ही इस सेंटर के साथ जुड़ी महिलाएं और सशक्त होंगी। साथ ही अब ब्लॉक के बाहर भी आउटलेट खोलने की इनकी तैयारी चल रही है। रामनगर से कैलाश सुवेल की रिपोर्ट।